नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। एक तरफ आज बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले को लेकर स्पीकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी पर जमकर गरजे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को क्या न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वह स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी स्पीकर पर सवाल नहीं उठाए। स्पीकर का फैसला उनका फैसला है। आप अगर संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें धैर्य रखना होगा, स्पीकर का फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाकर गलत कर रही है। हमको लगता है माननीय अध्यक्ष जी पर सवाल उठाकर हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। हमने न्यायाधिकरण पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया था, क्योंकि वो सदन के अभिभावक थे। इसलिए मेरी सलाह है उनसे कि आपको धैर्य रखना होगा। आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा है और सोशल साइट्स में भी हम लोगों ने देखा है कि अब अपीलिए नहीं, अब मेरिट पर फैसला होगा। ये माननीय अध्यक्ष जी का एक नियमन आया, तो जब मेरिट पे फैसला होगा तो उस फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि न्यायाधिकरण पर उंगली उठाना चाहिए। इससे आप अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। आपके अंदर जो डर है, आपने जो गलत काम किया है, आपने जो राजधनवार की जनता को धोखा दिया है, झारखंड की जनता को धोखा दिया है, उस आत्मग्लानि के कारण आप इस तरह से आपका हरकत हो।